अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बेस्ट RDBs क्रिएट करना सिखाऊंगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इजी टू क्रिएट हैं और इजी टू यूज है, जिसको आप अपने किसी भी छोटे मोटे टास्क के लिए इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हो और आप उसके अंदर अपना कोई भी छोटा मोटा काम इजीली कर सकते हो। इन तीनों RDBs की अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ना तो कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही आपको कोई डेबिट कार्ड की जरूरत होगी और इन RDBs को आप काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए इजीली यूज कर सकते हो। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ऐसी RDB चाहिए जिसमें आपको फुल एडमिन एक्सेस जो कि बिल्कुल ऐसे ही काम करे जैसे एक पेड RDP काम करती है, तो आप हमारे चैनल को ऑन करके हमारी इस वाली वीडियो को लाजमी से देखें। इसमें आपको विद एडमिन एक्सेस मिलती है, मतलब कि आप इस RDP को किसी भी PC में ओपन कर सकते हो एक बार इसमें अकाउंट क्रिएट करने के बाद। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने ब्राउजर में और सबसे पहले जो हम RDP बनाएंगे उसका नाम है गूगल कोलैब RDP। आपने सिंपल गूगल में आके यहाँ पर सर्च करना है और आपने इस फर्स्ट वेबसाइट को सिंपली ऑन कर लेना है न्यू टैब में। अब यहाँ पर जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट यूजर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको प्ले का बटन मिलेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसको रन अवे कर देना है और यहाँ से रन एनीवे आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब चंद सेकंड के लिए यहाँ पर आपने वेट करना है। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पर टिक मार्क आ चुका है, यानी कि हमारा जो क्रिएट यूजर नेम वगैरह वो क्रिएट हो चुका है इजीली। अब आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ को आना है और यहाँ पर ये जो सा लिंक मेरा आपने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आने के बाद इस लिंक पर, यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप पर आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिंपल बिगिन पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है एंड ऑथराइज पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डेबन लिनक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर आपने इसके पूरे कोड को कॉपी करना है। अगेन आपने गूगल कोलैब की वेबसाइट में आना है और ये जो सा आपने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर आकर पेस्ट करना है और सिंपल इज दैट यहाँ पर आपने इसको रन पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू एनीवे पर आपने क्लिक कर देना है। अब 1-2 मिनट आपने यहाँ पर वेट करना है ताकि आपकी जो सी RDP है वो क्रिएट होना क्रिएट वगैरह हो जाए। अब आपके सामने देखें आपके RDP में क्रोम वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, मतलब कि आपकी यहाँ पर RDP रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। इतना आपने क्या करना है, आपने गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है NGROG। अब यहाँ पर NGROG की वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने ओपन है, मैं इसको बैक कर देता हूँ। कुछ इस तरह की ये वेबसाइट होगी NGROG.com। आपने आगे सिंपल साइन अप कर लेना अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है, सिंपल ईमेल देकर पासवर्ड देकर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। मेरा ऑलरेडी है तो मैं क्या करूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। इतना हम अकाउंट बना लेंगे इसका और यहाँ पर आपने क्या करना है, योर ऑथ टोकन पर आकर इसको छोड़ देना है। अब वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट में। अब यहाँ पर हमें चंद मिनट के लिए वेट करना है। ऑलराइट, हमारी जो RDP है सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये वाले पिन को आपने याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, इसको आपने याद रखना है। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से SSH पर आपने आ जाना है। अब यहाँ पर आपने ये AGRO लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने NGROG को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल NGROG को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको रन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको रन करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एंटर द NGROG टोकन, आपने क्या करना है अपनी NGROG की वेबसाइट में आना और यहाँ से इस जोन से टोकन आपको ऑथ टोकन मिलेगा, इसको आपने सिंपल कॉपी करके यहाँ पर लाकर आपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल वी करके एंटर कर देना है। यहाँ पर मैंने वो पेस्ट कर दिया, उसके बाद सिंपल आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जोन से आपकी RDP सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आपने क्या करना है, सिंपल ऊपर आना है और यहाँ पर रीजन वगैरह जोन से वो US का, मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर लोकेशन मिलती है, कभी USA की मिलती है, कभी किसी और यूरोप कंट्री की मिलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो SSH भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या करना, ऊपर आना है और यहाँ से आपने इस पिन को कॉपी कर लेना है। अब आप आ जाओगे ये वाली वेबसाइट में। अब आपने क्या करना, सिंपल रिमोट एक्सेस पर आ जाना है और यहाँ पर ही आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। मतलब क्या, अब हम अपनी RDP को लॉगिन करने लगे हैं। जो सा आपने पिन कॉपी किया था सिंपल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और रिमेम्बर मी पर आपने क्लिक करके इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी जो सी RDP है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप फुल स्क्रीन पर कन्वर्ट कर लें। अब आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, यहाँ से इसको बैक करें। इंटरनेट यूज करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, एप्लीकेशन में आना है और यहाँ से इंटरनेट और यहाँ पर आपको इंस्टॉल इसके अंदर क्रोम ब्राउजर मिल जाता है। आपने सिंपल इसको ओके करके ओपन कर लेना है। अब आप इसको इजीली किसी भी काम के लिए, छोटे मोटे टास्क के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड RDP के बारे में। तो सिंपल आपने ब्राउजर के अंदर आके सर्च करना है हाइपर बीम, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे आपने क्या करना है, इस फर्स्ट वेबसाइट को आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। साथ ही आपने यहाँ पर एक टेम्पमेल की वेबसाइट भी ओपन रखनी है, जैसे कि ये है। आपने क्या करना है, टेम्पमेल पे आके यहाँ से कोई सा भी एक ईमेल को कॉपी कर लेना है और अपनी हाइपर बीम की वेबसाइट में आकर आपने यूज हाइपर बीम फॉर फ्री आपने इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपने आई एम लुकिंग फॉर इस पर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर आपने क्लिक करना है, मंथ वगैरह सिलेक्ट करना है, जो सा भी आप रैंडम देना चाहें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ईयर सिलेक्ट करें तो तीनों चारों चीजें मैंने रैंडम रखी है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम वही ईमेल देंगे जो हमने टेम्पमेल से कॉपी किया था। मैं पासवर्ड भी इसी को रख देता हूँ और यहाँ से इसको चेक मार्क करके सिंपल हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से इसको कैप्चा को फिल करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करके हम सिंपल क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने वगैरह कि आपके ईमेल पर हमने वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, यहाँ पर हमें आ भी चुका है। सिंपल इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो है वो कोड हमें रिसीव हो चुका है, 1749 था। जैसे मैंने एंटर किया वो ऑटोमेटिकली उसने इस कोड को सबमिट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट रूम पर क्लिक करना है और यहाँ से क्रिएट पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। स्टार्ट ब्राउजिंग पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो आपकी RDP है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आप क्या करें, इसको फुल स्क्रीन पर कर दें। अब आप इसमें जो चाहे वो चला सकते हो, मतलब कि आप YouTube भी चला सकते हो, जो आप चलाना चाहे इजीली यहाँ पर इसको इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने हमारा गूगल भी ओपन हो चुका है। लोकेशन चेक कर लेते हैं हमें कहाँ की मिली है। यहाँ पर इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारी जो उनसी लोकेशन है, कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट है और जो उनसी हमारी सिटी है वो कनाज सिटी है, रीजन मिसूरी कोई नाम है, ये वहाँ का है। मतलब कि हमें ये जो सी RTP है वो USA की मिली है। अब हम इस RTP को किसी भी काम के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे अपनी थर्ड एंड लास्ट RTP के बारे में। सिंपल आपने गूगल में आके सर्च करना है ऐप ऑन फ्लाई और ये फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अब इस RTP की खासियत ये है, इसमें ना तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई और झंझट होंगे। तो सिंपल वेबसाइट में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर शो होगा सेटअप इन 30 सेकंड, मतलब कि आप इसको 30 सेकंड के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट फ्री ट्रायल, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक कर देना है। एंड लुकिंग फॉर अ ट्रायल मशीन, यहाँ पर आपकी ट्रायल मशीन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी और देखते देखते आपकी जो सी RDP है वो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको एक ब्राउजर के फॉर्म में एक RDP आपको मिल जाएगी जिसको आप अपने किसी भी छोटे मोटे टास्क के लिए इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये बिल्कुल PC की तरह वर्क करेगी। आपने सिंपल क्या करना है, इंटरनेट यूज करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना माइक्रोसॉफ्ट एज पर और ये वैसे ही काम करेगा जैसे क्रोम वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको गूगल में ले आएगा और यहाँ से इसको आप इसमें आपको इंटरनेट स्पीड हाई मिलेगी और आपकी लोकेशन भी चेंज होगी। तो यहाँ पर हम इस RDP की अपनी लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट को सर्च कर लिया, तो यहाँ पर हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारी RTP है वो किसी नवी ही कंट्री की बनी है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता क्या है, बट ये आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। पहली जो थी वो USA की थी, अब ये तीसरी है वो किसी और कंट्री की है और जो हमने गूगल क्लैब की बनाई थी वो किसी और कंट्री की थी। बट हमारी जो RTP वो सक्सेसफुली बन चुकी है, अब आप इसको किसी भी काम के लिए इजीली यूज कर सकते हो। बट अगर आपको एक फुल एडमिन एक्सेस वाली RTP चाहिए तो आप हमारी वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा और इस वीडियो के एंड पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने आपको 3 ऐसी RDPs बनाना सिखाई हैं जो इजी टू यूज है, इजी टू क्रिएट है, विद इन मिनट्स ये RDPs क्रिएट हो जाएंगी और आप इसको छोटे मोटे टास्क के लिए इजीली यूज कर सकते हो। आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के साथ अपडेटेड रहता हूँ, तो जल्दी से उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें। और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।